हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ममाअर्थ का टी ट्री फेस वॉश का रिव्यू। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है वो प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं ममाअर्थ का टी ट्री एंड नीम फेस वॉश। इस फेस वॉश के बारे में आप लोगों ने काफी टाइम से सुना ही होगा, तो मैं इसे यूज कर रही थी। यूज करने के बाद ही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस फेस वॉश को यूज करने के बाद। ये फेस वॉश का फुल नेम है ममाअर्थ टी ट्री फेस वॉश विथ नीम फॉर एक्नी एंड पिम्पल्स। ये पैराबिन फ्री, SLS फ्री, हाइपो एलर्जॉनिक एंड ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये मेरे पास 100 ml की ये ट्यूब है और इसकी प्राइस है 249 rupees, यानी ऑलमोस्ट आपको 250 rupees की मिल जाती है। इसमें 3 साल की शेल्फ लाइफ दी गई है और इस प्रोडक्ट की जो इंग्रीडियंट है ये आपको बैक साइड पे मेंशन की गई है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ही आपको इसका फोटो दे दूंगी, तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इस जो प्रोडक्ट का जो आपको ये वाला देख सकते हैं व्हाइट एंड ग्रीन कलर का, ये टी ट्री है, इस वजह से ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। अगर आप ये उपटन वाला आप लोगे तो येलो और व्हाइट कलर का दिखेगा। ये ममा जो है एक प्लास्टिक पॉजिटिव है, ये ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं जितना ये यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट जो है वीगन फ्री है और साथ ही साथ सल्फेट SLS सब फ्री है। ये आपकी स्किन से pH बैलेंस को लेवल रखता है। आपकी स्किन में जो हाइपरजेरानिक होता है, जो प्रॉब्लम होते हैं जर्म्स बैक्टीरिया पिम्पल्स के हो जाते हैं, ये उसे भी किल करता है। अब मैं बता देती हूँ कि इस फेस वॉश को यूज कैसे करना है। नॉर्मली जैसे हम फेस वॉश यूज करते हैं उसी तरह इसको सुबह और एक रात को सोने से पहले से यूज करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये फेस वॉश दिखता कैसा है। ये आप देख सकते हैं इसकी ग्रीन कलर की इसकी क्लिप कैप है और ये नीम एंड ट्री जैसी स्मेल करती है, सेम इसकी वैसी स्मेल। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं लिटरली ये व्हाइट कलर का ये जेल है, जैसे जेल होता है ये फेस वॉश जेल फॉर्म में है, व्हाइट कलर का एकदम क्लीन आपको जेल दिख जाएगा। अब मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ, ये स्मूथली आपके पूरे फेस में आराम से हो जाता है और स्मेल तो काफी अच्छा है, रिफ्रेशिंग है। ये फेस वॉश मुझे काफी हद तक पसंद आया, इसलिए मुझे टाइम लग रहा था इस फेस वॉश को यूज करने में। सो बात कर लेते हैं कि इसमें जो फेस वॉश ने क्लेम की गई है कि इसमें क्लेम किया गया है कि आपसे आपकी जो स्किन है उससे बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह जो होते हैं उसको किल करता है। और मोस्ट मैं इस फेस वॉश को यूज कर चुकी हूँ, अब ये मेरा खत्म हो गया है। ये फेस वॉश मुझे यूज करते हुए काफी समय हो गया, मैं जैसे सुबह और एक रात को सोने से पहले इस फेस वॉश यूज करी थी और मुझे अपने फेस पे डिफरेंट दिखा। मेरे पिम्पल्स जो हो रहे थे उस पिम्पल्स में थोड़ा सा डिफरेंट मुझे दिखना स्टार्ट हो गया था 1-2 हफ्ते ही के अंदर ही। जैसे मैं फेस वॉश यूज कर रही थी तो मेरे पिंपल्स यहाँ हो गए थे, इस एरिया पे पिंपल्स अभी है और मुझे इस एरिया पे पिंपल्स है, अब मुझे यहाँ पिंपल्स धो रखे थे तो उस पिंपल्स को ये लिटरली ड्राई कर रहा था। जो पिंपल्स मेरे पहले से थे उसे ड्राई कर रहा था और जो मेरे नए पिंपल्स आ रहे थे ये उसे भी थोड़ा कंट्रोल कर रहा था। मेरे नए पिंपल्स आने में भी काफी हद तक कंट्रोल किया और मेरे जो पुराने पिंपल्स जो थे उसे ड्राई करने में बहुत हेल्प किया है। आप अभी मेरे फेस को देख रहे हैं, क्लियर है। अभी मैंने फेस में लिपस्टिक लगाया और आई मेकअप किया, मेरा फेस बिल्कुल क्लियर है। अभी मैंने कोई मेकअप वगैरह ज्यादा अप्लाई नहीं किया रखा है। अब देख सकते हैं मेरे पिंपल्स बहुत हद तक क्लीन दिख रहे हैं। बस इस एरिया पर अभी मेरा पिंपल्स हो रखा है, तो मैं अभी कोई और फेस वॉश उससे यूज करी, उसका भी रिव्यू आएगा, इसमें मैं उस फेस वॉश को भी यूज कर रही हूँ। अगर आपको पिंपल्स हो रखा है तो आप डेफिनेटली इस फेस वॉश को यूज कीजिए। अगर आपके पुराने पिंपल्स भी होते जा रहे हैं, आपके पिंपल्स ड्राई नहीं होते, लाख फेस वॉश यूज कर लिए, एक बार अब इस फेस वॉश को यूज कीजिए, आपको गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ आपके पिंपल्स काफी हद तक ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी और जो नए पिंपल्स आ रहे हैं उसे भी ये रोकता है। मैं इसे यूज कर चुकी है। अब पूछे कि ये फेस वॉश आप कहाँ से खरीद सकते हो, तो मैं ये बात करती हूँ कि ये फेस वॉश मुझे नहीं लगता है कि आपको बाहर किसी मार्केट में मिल जाएगा। ये फेस वॉश सिर्फ और सिर्फ आपको नायका अमेजोन और आपको ये ममाअर्थ का ममाअर्थ.in पे आपको ये अवेलेबल है, जहाँ आपको आए दिन ही डिस्काउंट मिलता रहता, तो आप उस जगह पर जाकर इस फेस वॉश को बाय कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ कि ये फेस वॉश जो है ट्रैवल फ्रेंडली है या नहीं। ये फेस वॉश ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना, देखिए पूरा इस एरिया पे कैसा हो रखा है।
सो इस फेस वॉश को आप अपने ट्रैवल करने अगर जाते हैं तो बैग वगैरह में कैरी करिए तो लीक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैं इस फेस वॉश को आपको रिकमेंड नहीं कर सकती कि आप ट्रैवल कर सकते, बट हाँ ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है तो चलेगा, बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये ऑयली स्किन पे तो काम ही करता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी आप इस फेस वॉश को आँख बंद करके यूज़ करें, किसी तरह का आपकी स्किन में कोई भी रैशेस नहीं होंगे। मेरी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन है, मैं इसे यूज़ करते हैं और ये मेरा ये सेकेंड ट्यूब है, मुझे ये काफ़ी पसंद भी आया तो मैं इसे दोबारा परचेज भी करूँगी और इसे यूज़ भी करूँगी। और ये 100 ml की है और 250 है, तो आपको अमेजोन पे और नायका पे डिस्काउंट मिलता है, साथ ही साथ आपको mamaearth.in पे वेबसाइट से अगर आप परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल ही जाता है कूपन कोड वगैरह अप्लाई करने के बाद। तो मैं इस फेस वॉश को दोबारा यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पिंपल्स पे तो काम कर रहा है, डेफिनेटली अगर आप भी इसे यूज़ करोगे तो काम करेगा ही। बात कर लेते ड्राई स्किन की, तो ड्राई स्किन पीपल्स अगर आप इसे यूज़ करें तो आपको तुरंत ही मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ सकती है। ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद आपके पूरे फेस और नेक से जितने भी गंदगियाँ होती है, आप बाहर की धूल मिट्टी बहुत हद तक क्लीन करता है, डीपली क्लीन करता है, आपके फेस को ड्राई फील नहीं करता है। और इस फेस वॉश यूज़ करने के बाद 2-3 मिनट बाद आपकी जो स्मेल है इस फेस वॉश की, ये स्मेल भी चली जाती है। तो ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी आप कह सकते हैं, आप आराम से इसे परचेस कर सकते हैं। टीनेजर्स है, बिगनर्स भी है, तो ये फेस वॉश को आप आराम से कैरी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सो, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूले। इंस्टाग्राम की आईडी लिंक यहाँ मैं कहीं दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा ना भूले चेक करने, वहाँ पर भी इस प्रोडक्ट के सारी डिटेल्स और परचेस लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। सो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू।